सुब्रत बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका, तो आप सभी को वर्ग दो की हिंदी कक्षा में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम पाठ 14 का जो बचा हुआ पाठ है सो पढ़ेंगे। आपका शीर्षक था बारादिन और विषय हिंदी है, पाठ 14 है। तो इस पाठ में हम पढ़े थे बारादिन के बारे में, क्रिसमस डे के बारे में कि हम लोग मनाते हैं क्रिसमस डे। बड़ा दिन जो है वो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, और ये जो त्योहार है खास करके क्रिसमस, क्रिश्चियन लोग जो है क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं, परंतु अब धीरे धीरे सभी लोग इसे मनाने लगे हैं। और ये भारतवर्ष में ही नहीं पूरे देश में मनाया जाता है। और इसे क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन किसका जन्म हुआ था, इस दिन ईसा मसीह का जन्म के दिवस के रूप में, जन्मदिन के रूप में इसे हम मनाते हैं। और ईसा मसीह क्या किए थे, उन्होंने प्रेम और भाईचारे की शिक्षा दी थी। और क्रिसमस डे हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, इसकी तैयारी 7 दिन पहले यानी कि 1 सप्ताह पहले से ही करने लगते हैं। और ईसा मसीह का बचपन का नाम क्या था, जीसस, और उनके पिता का नाम था जोसेफ और माता का नाम था मैरी। सबको आप याद रखेंगे, अगर आपको इस पर 5 लाइन लिखने के लिए कहा जाए तो आप लिख सकते हैं, उनके पिता का नाम था जोसेफ और माता का नाम था मैरी। और इनका जो जन्म था वो बैतलहम में हुआ था। तो इस पाठ को हम लोग पढ़े थे उस दिन, आपको थोड़ा सा बच गया था। उसके बाद आपका प्रश्न उत्तर है जो मौखिक है, उसको भी हम कराएंगे। तो आप पीछे का पाठ हम देख लिए, फिर अब आगे बढ़ते हैं कि आपका जो बच गया है। क्रिसमस के दिन रात में 12 बजे गिरजाघर की घंटियां बजने लगती हैं और मोमबत्तियां जला दी जाती हैं। सभी लोग एक दूसरे को केक और चॉकलेट खिलाते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। ये आपका शब्दार्थ भी है, धूमधाम जोर शोर से अनुयायी उपदेश मानने वाले शिष्य, प्रेम प्यार शिक्षा सीख सप्ताह 7 दिन प्रारंभ शुरू उपहार भेंट। आप लोग गिफ्ट देते हैं ना, वस्त्र कपड़े, आप लोग कपड़ा खरीद पहनते हो, प्रतीक चिन्ह शुभकामनाएं बधाई। तो ये सब आपका हो गया, ये शब्दार्थ हो गया। शब्दार्थ को भी आप अपने कॉपी में लिखेंगे। तो प्रारंभ है, प्रारंभ है, शुरू हो गया। तो आपका ये कुछ प्रश्न उत्तर है, पहले मैं जो बचा हुआ है उसको पढ़ा देती हूँ। तो 12 बजे लोग क्या करते हैं, क्रिसमस जो है, क्रिश्चियन जो लोग जो है वो गिरजाघर में जाते हैं और घंटियां बजते हैं और सब मोमबत्ती जला करके, देखता है ना, जहाँ गिरजाघर होता है उसी में जाते हैं। ईसा मसीह की तस्वीर जो है वो लगी रहती है। और अभी आपका 25 दिसंबर आने वाला है, तो अब हम लोग बड़ा दिन मनाने की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। और सारे देशों में इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी, इसी महीने में वो मनाया जाता है। कुछ लोग संता क्लॉज बन करके बच्चे को उपहार देते हैं, केवल ईसाई ही नहीं सभी धर्मों के लोग इस त्योहार को क्या करते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। तो ये आपका अब यहाँ पर पाठ समाप्त हो गया। और अभी आने वाला है क्रिसमस डे, बारादिन, तो आप लोग कैसे मनाएंगे, फिर मैं आपसे 25 दिसंबर के बाद आपसे मैं कुछ पूछूंगी और इस पाठ पे फिर से मैं चर्चा करूंगी, आप लोगों को कुछ लिखवाऊंगी भी। तो इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर प्रश्न उत्तर आपका सरदार था, मैं बता दी आपका ये प्रश्न है, बड़ा दिन कब मनाया जाता है, तो बताइए बड़ा दिन कब मनाया जाता है। मैं यहाँ लिख दी, बड़ा दिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईसा मसीह के बचपन का क्या नाम था, क्या नाम था ईसा मसीह के बचपन का, तो ईसा मसीह के बचपन का नाम जीसस था। और आप लोग लिखावट सुंदर बनाएंगे, समझे, बच्चे बच्चों को क्या क्या सजाने में, बच्चे को क्या सजाने में आनंद आता है, तो बच्चों को क्रिसमस ट्री, आप लोग सजाते हैं ना क्रिसमस ट्री, बच्चों को क्रिसमस ट्री सजाने में आनंद यानी कि मजा आता है। आपका एक और प्रश्न है जिसको मैं लिखूंगी, इसमें मौखिक का एक बचा हुआ है, तो मैं आपको लिख देती हूँ, इसको आप फिर अपनी कॉपी में उतार लेंगे और किताब को भी अच्छे से पढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, बच्चे क्रिसमस ट्री को किससे सजाते हैं, प्रश्न है, प्रश्न 4 है,
बच्चे ग्रीष्मश ट्री को किस से सजाते। प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग अवश्य देंगे, किस किस से बच्चे क्रिसमस ट्री को किस किस से सजाते हैं। तो हम उस दिन पढ़े बच्चे क्रिसमस ट्री को किस किस से सजाते हैं, तो फिर इसका मैं उत्तर लिखती हूँ। बच्चे बच्चे क्रिसमस ट्री बच्चे क्रिसमस ट्री को सुनहरी चमकीली घंटिया को सुनहरी चमकीली सुनहरी चमकीली घंटिया सितारों रंगीन कागज के खिलौने आदि से सजाते हैं। तो ये आपका हो गया मौखिक प्रश्न। अब जो आपका प्रश्न बच गया उसको मैं आपको गृह कार्य में भेजूंगी, SW में भेजूंगी, और आगे का प्रश्न मैं आपको समझा दे रही हूँ। आगे आपका प्रश्न आ रहा है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। यहाँ बड़ा दिन कहाँ मनाया जाता है? भारत में, विदेशों में, सभी जगह। बड़े दिन पर सभी अपने अपने लिए क्या खरीदते हैं? तो वस्त्र, मिठाई, खिलौने। क्या खरीदते हैं? वस्त्र खरीदते हैं। क्रिसमस ट्री को किसका प्रतीक माना जाता है? तो हम पढ़े थे क्रिसमस ट्री को शुभ के प्रतीक माना जाता है। लोग सांता क्लॉज बनकर किसे उपहार देते हैं? बच्चों को, बड़ों को, सभी को। तो सांता क्लॉज जो है बच्चों को उपहार देते हैं। आगे है आपका ये प्रश्न है, लिखित प्रश्न है, इसमें ईसा मसीह के माता पिता का क्या नाम था? तो हम आप ही आपको बताए हैं, ईसा मसीह के माता पिता का नाम था, पिता का नाम था जोसेफ और माता का नाम था मैरी। ईसा ने अपने अनुयायियों को किसकी शिक्षा, अनुयायी यानी कि शिष्य, शिष्य को किसकी शिक्षा दी? तो ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों को प्रेम एवं भाईचारे की शिक्षा दी। क्रिसमस ट्री क्यों सजाया जाता है? क्रिसमस ट्री क्यों सजाया जाता है और बड़ा दिन कैसे मनाया जाता है? तो बड़ा दिन धूमधाम से मनाया जाता है और क्रिसमस ट्री को शुभ के प्रतीक माना जाता है, इसलिए सभी लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। यहाँ आपका है हाँ या ना में, हाँ या ना में उत्तर लिखो। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें लिख, ईसा मसीह का जन्म बैथलहम में हुआ था। ये हाँ या ना, इसमें आपको लिखना है हाँ, बैथलहम में हुआ था। बताए थे बड़ा दिन मनाने की तैयारी लोग एक वर्ष पहले से करते हैं। क्या एक वर्ष पहले से बड़ा दिन मनाने की तैयारी? नहीं, बड़ा दिन मनाने की तैयारी लोग एक सप्ताह पहले यानी 7 दिन पहले से करते हैं। बड़े दिन पर सभी अपने दोस्तों रिश्तेदारों को उपहार देते हैं। तो हाँ, क्रिसमस के दिन रात्रि 12 बजे गिरजाघर की घंटिया बजने लगती है। तो हाँ, हम पढ़े हैं कि 12 बजे रात को गिरजाघर की घंटिया बजने लगती है। आपको अब यहाँ पर है उल्टे अर्थ वाले शब्द, बड़ा का छोटा, उल्टा अर्थ जानते हैं ना, विलोम शब्द, खुश का दुखी, प्रारंभ का अंत, नया का पुराना, दिन का रात, प्रेम का नफरत, दोस्त का दुश्मन, शुभ का अशुभ। और यहाँ पर देखिए इसको आपको, इसको पिक्चर के साथ आपको बना करके गृह कार्य में भेजना है। इसको मैं आपको कल भेजूंगी, मैं होमवर्क में आपका आपको जाएगा। इसको आप इस तरह से बनाएंगे और क्या लिखेंगे नीचे ना, आप पर्व सबका नाम लिखेंगे, त्योहार का नाम लिखेंगे। ये आपको क्रिसमस ट्री को बनाना है,
क्या चीज का बनाएंगे आप सोचिए, पेपर पे बनाना है या फिर कागज का बना करके स्नैप खींच करके भेजेंगे आप। और इसी के साथ आपका आज का ऑनलाइन कक्षा समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।